नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार रविवार को मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए दंगे का पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेताओं और पाकिस्तानी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि दिल्ली में भड़काया गया दंगा संयोजित था और चुनाव में जो अनाथ हो गए थे उन्हें राजनीति करने का मौका इसमें मिल रहा है। ऐसा वो मंदिर बनेगा इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय भी है। बस वही राष्ट्र तय हो जाए कि एक हिंदू परिवार कितना देना है। हाँ, और दूसरा CAA के बारे में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उनको भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता की जांच करने का विषय नहीं है, किसी को कंसंट्रेशन कैंप में भेजने का विषय नहीं। पर जो लोग पिछले चुनावों में अनाथ हो गए थे उनको लग रहा है कि कुछ रास्ता मिल गया, और इन आंदोलनों को तैयार करके भड़का के फिर ट्रंप जब भारत में होंगे तो दंगा, इसका प्रयोग दिल्ली में किया गया। अवैध हथियार और पत्थर योजनाबद्ध रूप से हिंसा और दंगे भड़काए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू शांति प्रिय है और इसलिए हिंदू कहीं पर भी कानून व्यवस्था को भंग नहीं करेगा, पर अगर दंगा होता है, आक्रमण होता है, तो हिंदू आत्मरक्षा के अपने अधिकार का निस्संकोच और पूरा प्रयत्न करेगा, पूरा प्रतिरोध करेगा। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। हमने एक बात और कह लूँ, हमने तो बंगाल में भी जाके ममता दीदी को कहा है, तुम्हारी सरकार कितना भी विरोध कर ले, जब सरकार उन अफसरों को नियुक्त कर देगी जिन्होंने अर्जियां रिसीव करनी है नागरिकता की, तो विश्व हिंदू परिषद सुनिश्चित करेगी कि हर एक झोंपड़ी में जाकर हर एक घर को दस्तक दे करके जहाँ जहाँ भी शरणार्थी परिवार है उसके कागज पूरे करके जमा कराएंगे, जांच कराएंगे, और किसी एक भी हिंदू शरणार्थी परिवार को नागरिकता से वंचित नहीं रहने देंगे। सर, जैसा कि देखने को मिला था कि दिल्ली में अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के बयान के बाद हिंसा बढ़ती जा रही है, तो क्या मानेंगे? मैं थोड़ा मुझे आश्चर्य होता है ऐसे प्रश्न पर। भारत तेरे टुकड़े होंगे से हिंसा नहीं भड़कती क्या? आज़ादी के नारों से नहीं भड़कती क्या? मैं मानता हूँ कि सबको जिम्मेवार होना चाहिए, सबको जिम्मेवारी से बोलना चाहिए। मैं किसी का बचाव नहीं करता, पर ये उंगली किसी खास व्यक्ति की ओर ही उठाई जाए मैं इसको उचित नहीं मानता। सर, क्या बजाता?